हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव पाठक और आपका स्वागत है हमारे चैनल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, मैं आज खेत पे आया हूं। मैंने एक दिन यानी आज के सेकंड पहले वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं कि खेत में सिंचाई उचाई कैसे होती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा फुल कि यहां पे खाद कैसे खेतों में पड़ता है। अभी मैं आपको खेत चलता हूं, ये मेरा खेत है, आप यहां पे देख सकते हैं। और मैं अभी आपको यहां इधर चलता हूं फिर और दिखाता हूं कि खेतों में खाद कैसे डाला जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो को अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि हमें जो खाद है यानी एक बोरी अगर 50 मतलब एक एकड़ है तो उसमें 50 किलो होना चाहिए। दूसरी बात ये बताऊँ आपको, जो ये क्या नाम है खेत है, इस पर ये इसमें ज़्यादा खेत नहीं है, पाँच मतलब एक एकड़ है, इसमें 50 किलो खाद पड़ेगा। दोस्तों ये हमारे बापू जो उधर खाद डाल रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो खाद उसमें डाल रहे हैं खेत में। दूसरी बात आपको मैं ये बताऊँगा कि जो दोस्तों ये आपको बताएँगे कि खाद के तरीका बोने का भी होता है, कि ऐसा नहीं कि आप जब मन हो तब उठा के फेंक देखें। दूसरे इसके लिए आपको पानी यानी खेतों में पानी लगना आवश्यक होता है। खेतों में अगर पानी नहीं है तो फिर खाद डालना बेकार हो जाएगा। तो एक खाद अगर गेहूं के खेती में कम से कम 3 पानी लगनी चाहिए। दूसरा पानी हो चुका है और दूसरे पानी में बापू हमारे खाद डाल रहे हैं, जो कि आप वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों और मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगा, अभी बापू से जानते हैं इसके बारे में, खेती के बारे में, क्योंकि बहुत पुराने किसान हो चुके हैं। तो भैया बताऊंगा कि खाद बोने का तरीका कैसे होता है। अभी आप ये देखिए गमछा पड़ा है, इसको उठा लो और इसको ये बड़ा होता तो इसको यहाँ से ये ऐसे बांधा जाता है इस तरीके से। ये छोटा पड़ रहा है, बस आपको बता रहा हूँ। देखिए बापू किस तरह बांधे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही मेरे के बाबा जाते हैं, देखिए आराम से अच्छे से बंधा हुआ है। और इसके बाद में इसमें खाद ये बापू इसमें निकाल के इसमें डाल ले हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उठा के मुठ्ठे इस जैसे तो उसे फेंक दें, इसका फेंकने का तरीका होता है आपको कोना किनारा और यहाँ पर पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम बो रहे हैं। ये नहीं कि आप ये लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पर जाके बोने स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अभी बापू से थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सही नहीं होता है बापू, ये हमको बताइए कि जैसे कि आप खेती कितने सालों से लगभग में कर रहे हैं? मेरे कम से कम 50 साल से। आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो आप ऐसे बताइए कि जैसे कि लोग खेती करना चाहे तो आपसे क्या मतलब जाने कि वो भी बेहतर आपके जैसा कर सकें। अरे जुताई होइक चाहिए, गुड़ाई होइक चाहिए, खाद पानी दिया सब लगाई गई, जब तब खेती बढ़िया हुई। तो आप मतलब कि यही चीज़ करते हैं, मतलब कि जैसे कि फल और सब्जी वब्जी तो उगाते हैं आप, नहीं उगाते हैं? नहीं, सब्जी खेती हमें हम धान गेहूं मक्का मसूर लाही यही सब खेती गिन जाते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा आपसे एक थोड़ी बहुत यहाँ राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दोनों गठबंधन कर लिया है, तो इससे आने वाले समय पर यानी मोदी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप हमको ये बताइए। अरे मोदी पर कौन इफेक्ट करी, तो जो है पूरा भारत के सब काम कही नहीं है, तो इसलिए जो है जनता ज़्यादा मोदी तरफ झुकाव किए है। अब ऐसे तो जनता के बात है कि कहा कही सकत है। तो जैसे जो अखिलेश यादव है, ये मतलब इन्होंने काम नहीं किया है क्या? नहीं, अखिलेश यादव ने काम किया, लेकिन मोदी जी के कत्ता काम कहाँ किए। हाँ तो आप मतलब यानी कि मोदी जी का पल्ला बाड़ी है? हाँ और कहा, मोदी जी तो खास सस्ते कई देर गैस सिलेंडर दिए, जनता के सब लेटरिन बनवाई दी है, तो मोदी जी के बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों आपने जाना कि खाद कैसे पड़ता है और इसके क्या क्या है प्रोसेस। दोस्तों नए नए आपको रोचक वीडियो आपको मैं दिखाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।